दोस्तों श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में बड़ा ड्रामा देखने को मिला। दरअसल मैच के बीच में राशिद खान और धनुष्का गुणतिलका के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई और मैच बीच में ही रोकना पड़ा। ये वाक्या पारी के 17वें ओवर का है, जब गुणतिलका ने राशिद खान को रिवर्स स्वीप खेल के चौका जड़ दिया। चौका जड़ने के बाद गुणतिलका ने राशिद खान को कुछ ऐसा कह दिया जिस पर राशिद खान आग बबूला हो गए। इस दौरान दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ गए और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच हाथापाई हो जाएगी, लेकिन इसी दौरान राजपक्षे ने दोनों खिलाड़ियों को समझाया और मामला शांत करवाया। हालांकि इस लड़ाई का बदला राशिद खान ने इसी ओवर में ले लिया और गुणतिलका को क्लीन बोल करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।